फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये जो कंधे होते हैं इस पे सलाई से बिन के उतारना, तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाया था जिस पे सुई से कैसे करते हैं, जिससे कि देखिए ये बिल्कुल सीमलेस दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बैक साइड में भी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कंधे कहाँ जोड़े गए हैं, वो आज आपको मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों तरफ जैसे इस पीछे वाले पल्ले और आगे वाले पल्ले में दोनों में सेम फंदे होने चाहिए, इक्वल फंदे होने चाहिए। इसमें आप एक अंदाजे से धागा ले लेंगे, नॉर्मली आप इसे 4 बार 8 बार लपेटेंगे उतने धागे से ये सिलाई हो जाती है, बच भी जाता है। उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, ये देखिए ये पहले पीछे का पल्ला है, ये आगे का पल्ला है, दोनों फंदों को ऐसे बराबर, एक आपके फ्रंट साइड में होगा एक आपके बैक साइड में। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी तरफ आपके मुंह की तरफ जो पल्ला है उसमें आप उल्टे की दिशा में ऊपर से सुई नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, ऐसे। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी सेट करने में, इसमें थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। और जो बैक साइड वाला पल्ला है उसमें सुई आप नीचे से फंदे में नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। ये आपके दो शुरू के स्टार्टिंग के फंदे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, इन फंदों को आप गिराएंगे नहीं अभी, अभी ये बस ऐसे ही रहेंगे। फिर आपका सेकंड पार्ट क्या है, अब शुरू होता है आपका यहाँ से। अब ये देखिए, ये सुई नीचे जो आपके मुंह की तरफ पल्ला है उसमें सुई फंदे में नीचे से ऊपर सीधी डायरेक्शन में ऐसे जाएगी और फंदे को आप गिरा देंगे, थोड़ा सा खींच लेंगे और इसे उल्टे ऊपर से दूसरा फंदा उसी फ्रंट वाले पल्ले में ही ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ये फंदा गिराएंगे नहीं। पीछे वाले पल्ले में सुई जो है आप ऊपर से नीचे उल्टी डायरेक्शन में, जैसे उल्टा बिना जाता है उस डायरेक्शन में सुई ऐसे करेंगे, डालेंगे धागा और फंदे को गिरा देंगे, और दूसरा फंदा सीधी डायरेक्शन में नीचे से ऐसे ऊपर की ओर, इसको आप गिराएंगे नहीं। शुरू में थोड़ा ये ऑर्गेनाइज नहीं है, कई सलाइयां हैं कई धागे हैं, इसलिए थोड़ा आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आगे थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। फिर ये नीट ऐसे करेंगे सीधी डायरेक्शन में और फंदे को गिरा देंगे, और दूसरा ऐसे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे, दूसरी सिलाई बैक साइड में ये उल्टा, ये जो सिलाई सुई ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं इसको मानते हैं उल्टा डायरेक्शन, इसे आप ऐसे डालेंगे और फंदे को आप गिरा देंगे और ऊन को खींच लेंगे। ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ये यहाँ पे अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए ये दिख रहा है आपको। इसी तरह मैं आपको एक बार और बताती हूँ, फिर इसी तरह आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, सुई नीचे से ऊपर की ओर ऐसे डाले फ्रंट वाले पल्ले में और धागे को नीचे गिरा, उनको फंदे को नीचे गिरा देंगे, फिर ऐसे, फिर इधर ऐसे और फंदे को गिरा देंगे, और ये इसी तरह देखिए, ये क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल, इसमें सिलाई ना पीछे की तरफ दिखेगी ना आगे की तरफ, और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ये आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब इसी तरह आपको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है।